एक हिस्सा याचा तर मला म्हणजे खूप खूपच आनंद होतो की तुमच्या सगळे सगळे फॅन्स इतकं प्रेम करतात भरभरून. आम्ही कुठं कुणाच्या तरी मनात घर केलं असं वाटतं आणि तुमचा उत्साह बघून खूपच आनंद वाटतो. चल बाय. मराठीत सांगितलं कळत नाही, इंग्लिश मध्ये सांगू. नमस्कार, खूप छान वाटते, खूप छान वाटते. म्हणजे आता सायरटनी सगळे रेकॉर्ड मोडले, म्हणजे आज मराठीमध्ये नंबर एकची फिल्म झाली आणि त्याचाच मी एक जे हिस्सा आहे त्याच्यामध्ये ऍक्टिंग केली. म्हणजे खूप मस्त वाटते, तुम्ही एवढं आम्हाला भरभरून प्रेम देत आहे असंच देत राहा. थँक्यू सो मच, थँक्यू. अँड कॅमेरामॅन सुधाकर जी सुद्धा आपल्यासोबत. जी सर, हे असंही आमच्या ऑफिसमध्ये पहिल्यांदाच घडत आहे, कधीच घडलं नाही सर. सैराट झाल्यामध्ये ते. ऑलराइट, वी हैव फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया. आप में से सवाल जो पूछना चाहेंगे, देन विल रश टू दी ऑन इट, विल रश टू द स्टूडियो और इट विल फर्स्ट फिनिश ऑफ द इंटरव्यू. या आप फोटो ऑफ कर लीजिए और फिर विल रश टू द स्टूडियो फॉर द इंटरव्यू. जी जिस तरह का प्यार मिल रहा है पब्लिक के बीच में, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की खुशी होती है जब जब आपको पहली बार इस फिल्म के बारे में बताया गया था, तब आपका क्या रिएक्शन था और अब क्या क्या अलग है इस फिल्म को लेकर आपका रिएक्शन? आकाश पहले आप बताइए. बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहले कभी मतलब सोचा नहीं था कि इतना सक्सेस मिला. मतलब फिट हो के पता था बट इतनी सक्सेस मिलने का पता नहीं था. जो मतलब सब लोग भर भर के प्यार दे रहे थे, सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच. पहले नहीं लग रहा था कि इतना सक्सेस मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर लग रहा था कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी. लेकिन लोगों को इतनी पसंद आ रही तो हमें बहुत खुशी हो रही है और मराठी में ये नंबर वन फिल्म बन गई है और हम इस फिल्म में हैं तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगा. फिल्म को लेकर ऐसा कोई खास कॉम्प्लीमेंट आया है आपकी जोड़ी को लेकर या फिर फिल्म को लेकर, अगर आप शेयर करना चाहें आप? बहुत लोग ऐसा है, मतलब आमिर खान को भी पसंद आई थी, उन्होंने सबका नाम लेके कहा कि सब एक्टर ने अच्छा काम किया सबका. मतलब उसके बाद इरफान खान हो गया, बॉलीवुड के सभी बहुत लोगों ने वो कहा है. बॉलीवुड से कोई फिल्म के लिए ऑफर आई है आप दोनों की जोड़ी के लिए खास करके? नहीं अब तो नहीं. अच्छा, और इसके अलावा आज बिग एफएम में आए हो आप, यहाँ पर पहले कभी रिकॉर्ड किया है आपने ऐसे कुछ रेडियो में जाकर, क्या कैसा एक्सपीरियंस? इसके अलावा आज का